अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में कत्ल होने वाली सेठ आबिद की बेटी फरह के केस में हैरान कुन इंकशाफात सामने आ गए। मारूफ न्यूज चैनल के मुताबिक गुज़श्ता रोज खातून की लाश मिलने के बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज करते हुए ले पालक बेटे फहद को मुतजाद बयानात की रोशनी में हिरासत में ले लिया, जिसने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और बताया कि वो रजिया नामी लड़की से पसंद की शादी करना चाहता था लेकिन इसकी वालदा नहीं मान रही थी। जिस लड़की से फहद शादी करना चाहता था वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के घर में काम करने वाली रजिया नामी लड़की थी, जो कि तलाक याफ्ता और एक बच्ची की मां थी। रजिया ने फहद के साथ मिलकर क्राइम सीन खत्म करने की कोशिश की। रजिया ने बयान दिया कि मुल्जिम फहद इससे शादी करना चाहता था। पुलिस के पहुंचने पर रजिया और फहद एक ही कमरे में मौजूद थे। रजिया ने फहद से मिलकर जाय वकुआ से गोली का खौल गायब किया और दो पिस्तौल जमीन में दबाए जबकि एक किचन में छुपा दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रजिया और फहद को गिरफ्तार कर लिया।